हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे अतीत जो अरेंजमेंट लेक्चर लेने के लिए मैं आया हूँ, तो उसी में हम लोग SST पढ़ेंगे बेसिकली। और आपका हमारा जो 7th चैप्टर था हमारे अतीत, सेकेंड जो हमारी बुक है, उसी का 7वां चैप्टर है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो बेसिकली हम जो आपके ट्राइबल एरिया, जो आपके लोग हैं, उनके विषय में हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत गौर कर पढ़ने वाले हैं कि आपका जनजातीय लोग क्या होते हैं, खाना बदोश किसको कहते हैं, और एक जगह बसे जो आपके समुदाय हैं उनको हम किस तरह से देखते हैं। तो बेसिकली इन तरह पर आपका बात होने वाली है। चलिए, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में 3 सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें 3 चीज लिखी है। पहला है जनजाति, आप किसको ट्राइबल मानते हैं? एक है खाना बदोश, किसको कहेंगे खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय? अगर मैं आपसे पूछूं जनजाति और खाना बदोश में क्या अंतर है, तो बताइए क्या अंतर होगा, क्या अंतर करेंगे आप खाना बदोश में? तो सबसे पहले हम जनजातियों को समझेंगे। बहुत अच्छे शाबाश, बहुत अच्छे भागलपुर मां, बैठ जाइए। अच्छा, कौन बच्चा पढ़ेगा GIC भागलपुर मां से? माइक ले ले कोई भी एक बच्चा। शाबाश, बहुत खूब। चलिए जी ऐसी भागलपुर मां, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सोनम। नाम लिखिए बच्चे का, सोनम। बहुत सुंदर, चलिए बेटा सोनम, आप चैप्टर पढ़ना शुरू करें। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों के उत्थान और पतन हुआ। इस उठपटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों को और उत्पादकों गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म की समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से हैं समाज वर्ग के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचा और नीचा तथा अमीर और गरीब के बीच का फैसला बड़ा दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों का काल में शेषणीवध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से पर जनजातियां समाज अलवत दूसरी तरह से के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई आसमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों नेतादारी से बंधन से जुड़े होते हैं। कई जनजातियां खेती से अपना जैविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरे जनजातियों के लोगों शिकारी संग्रह या पशुपालक थे। प्रिय वे अपने निवास स्थान से के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश की थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातियां
समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारगाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां पली फूली। सामान्यतः ये जल जंगलों पहाड़ों रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मान्यानों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी के बरकरार कर रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जनजाति आधारित और जनजातियां समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध के ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातियां बैठ जाओ बेटे सोनम आप बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, दोबारा मौका दूंगा आपको। देखिए कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 और 4 में आपने देखा होगा कि राज्य के उत्थान, उत्थान का मतलब समझते हो? ध्यान दो बच्चों। देखिए बात कर रहे हैं उत्थान की। उत्थान का मतलब होता है विकास से, डेवलपमेंट से, प्रोसेस से। उसे क्या कहते हैं? उत्थान। डेवलपमेंट को बोलते हैं उत्थान। इस उठक पटक के बीच कला, दस्तकारी और उत्पादकता गतिविधियां नई किस्म शहरों और गांव में फल फूल रही थी। अब क्या हुआ कि कुछ बाप की कला थी, कुछ ऐसी नई चीजों का जो लोग बाप का प्रोडक्शन कर सकते थे, वो शहरों और गांव में फल फूल रही थी। आप देख रहे थे ये उस समय लोगों को नई आर्ट्स बना रहे थे, नई नई चीजों का उत्पादन कर रहे थे और नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे थे। तो ये नए किस्म की चीजें शहरों और गांव में ही फल फूल रही थी। ये कह रहे हैं कि लंबे समय अंतराल यानी कि बहुत लंबे टाइम पीरियड में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। कह रहे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझना महत्वपूर्ण है। क्यों है? कह रहे इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित किया था। ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजा द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचा और नीचा, अमीर और गरीब के बीच का फैसला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीवाद समाज जटिल हो गया। कैसे हो गया? समाज आपका जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज था। कह रहे कि जो बड़े शहर थे, जो आपकी बड़ी सिटी रही होगी, उनसे परे क्या था? जनजातीय समाज। सबसे पहले आप जनजातीय समाज को थोड़ा समझे, क्लियर है? कह रहे बड़े शहरों से परे क्या थे? जनजातीय समाज। कौन थे जनजातीय समाज? सबसे पहले आपको देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो शहरों में रहते हैं ना गांव में रहते हैं, बल्कि कहां रहते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? जंगलों में। तो जो व्यक्ति जंगलों में निवास करते हैं, जो शहरों गांव से दूर रहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? जनजातीय लोग, आपका ट्राइबल कम्युनिटी हम उनको बोल देते हैं। देखिए दूसरे तरह के समाज में भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। आपने देखा होगा एक समय था जब आप उस समय आप देखें नियम और सुझाव के लिए कर्म कांडों में बहुत सारी जगह क्या थे, आप इनको देखेंगे तो साफ स्पष्ट आपको दिखाई देगा कि इन नियम और कर्म कांडों की अगर आप बात करोगे तो इन सारी विविधताओं में, इन सारी चीजों में कुछ बाप का पंडितों ने अपने नियम बनाए थे। और ये नियम कैसे थे? बड़े जटिल थे, बड़े अलग थे। और इन नियमों के आपके कर्मकांडों में और आपका इन नियमों में इन सारी चीजों को कुछ लोग क्या करते थे? उनको नहीं मानते थे, उनको स्वीकार नहीं करते थे।
क्या करते थे, उनको नहीं मानते थे और ना ही वे असमान वर्ग के विभाजित थे, अलग अलग रूप से वो आपका बटे हुए भी नहीं थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा गया, यानी कि जिन लोगों ने पंडितों के नियम कानून और कर्म कांड को नहीं माना और असमान वर्ग में आपके विभाजित थे, उनको क्या कह दिया गया, जनजाति। और बेसिकली ये लोग आपके जंगल में भी निवास करते थे। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जनजाति ने सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ नातेदारी के साथ जुड़े होते हैं। कई जनजातीय खेती से अपनी जीविका उपजन यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए करते हैं। तो बेसिकली जनजातीय लोग क्या करते हैं, आपकी खेती पर डिपेंडेंट है, खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, ये काम है जनजातीय लोगों का। ठीक, कुछ दूसरी जनजाति के लोग शिकार या संग्रहक पशुपालक थे। प्राय वे निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए गतिविधियों को मिलजुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातीय खाना बदोश थी। देखिए, तो हमने जनजातियां देख ली और इसमें कह रहे हैं कुछ जनजातियां क्या थी, खाना बदोश। ध्यान दीजिए, खाना बदोश की बात कर रहे हैं, खाना बदोश पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी, तो ऐसे लोग, ऐसी जनजाति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार के बीच इनको बांटते थे। क्या करते हैं, जो आपके परिवार के नियम बनाए हैं उस बनाए हुए नियम पर ही वो आपका इन चीजों को बांटते थे। तो बेसिकली खाना बदोश को आप ये कह सकते हैं, ऐसी जनजातीय समूह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूमि के लिए और चारे के लिए, क्लियर है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आपका घूमते रहते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि वो क्या है, वो आपका खाना बदोश लोग है। समझ आ गया। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फल फूल रही थी, तो सामान्य जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूर धर्मों के क्षेत्र में निवेश कर रही थी। कैसे कह रही थी, अलग अलग स्थानों पर भी आपका वो रह रही थी। ठीक, कभी कभी जाति विभाजन के आधार पर अधिक शक्ति समाजों में उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अधा संस्कृति को बचाया, लेकिन जनजातीय आधार और जनजातीय समाज दोनों ही विविध किस्म की जागरूक जरूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर थे। कह रहे बेसिकली डिपेंडेंट किस पे थे, अगर किसी बाप की जरूरत है, आवश्यकता है, तो ये दोनों कैसे थे, एक दूसरों पर, जाति आधारित लोग हों या बाप के जनजातीय लोग। अब जैसे जनजातीय लोग आपके जंगल से कुछ उत्पाद को इकट्ठा करते थे तो उनको शहरों में बेचते थे, तो जिन लोगों को आवश्यकता होती थी वो आपका खरीदते थे, और शहर से जनजातीय लोगों को जो आवश्यकता होती थी वो खरीदते थे। तो क्या कह रहे हैं, टकराव और आत्मनिर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया गया, और धीरे धीरे जो यही समाज के जो संबंध है, इन संबंधों ने धीरे धीरे चेंज कर दिया। तो फिलहाल हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया कि आपके जनजातीय लोग कौन होते हैं, हमने ये देख लिया कि जनजातीय कौन है, खाना बदोश कौन है, तो दोनों को हम लोग अब तक देख चुके हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अब हम आपका देखने वाले हैं कि जनजातीय लोग कौन होते हैं। चलिए चलिए जी ऐसी भागलपुरमा की कोई बच्ची माइक ले। बेटा सोनम आप ही आ जाओ, अगर कोई बच्ची माइक नहीं ले रही है तो आप ही पढ़ लो लेके सोनम। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम, तो जनजातियां लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्धि रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यह परंपराएं हर नई पीढ़ी को
विरासत में मिली थी। आज के इतिहासकार जातियों का इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। जनजातियां लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़ा बड़े इलाकों में नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी में दौरान वह बहुत प्रभावशाली थी। यह बाद में खाखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और मुखिया कमाल खान गाखार को बादशाह अकबर ने मानसूबेदार मनाया था। मुल्तान और सिंधी में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और अर्धून लोगों का प्रभुत्व अंत्य बस्ती क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम और एक और विशाल और एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बांटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्ढे गड़रियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शारदाशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर ने प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्होंने लूट कर अच्छा खास माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर चलिए ये बस आप यहां तक पैराग्राफ कर दो, ये और पढ़ो। लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों को में मुंडा और संताल थे। अघपति ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्टक बस 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 कर्टक चल बस और बस 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 महाराष्ट्र। सोनम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ऐसी भागलपुर माँ से एक बार आप ताली हो जाए इस बच्ची के लिए। सभी बच्चे आपका ताली बजाएंगे सोनम के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सोनम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह से जोश से अपने कॉन्फिडेंस से आप हमेशा पढ़ती रहें, यहाँ नहीं बल्कि जब भी कहीं आपको बोलने का मौका मिले आप सबसे पहले आगे आएं और बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मेरा। बैठ जाइए बेटे आप। थैंक धन्यवाद। यू सर। चलिए तो आज हमने बेसिकली आपका जनजाति लोग और खानाबदोश लोगों के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि आपके जनजाति लोग कौन होते हैं, खानाबदोश किसके बोलते हैं और कहाँ कहाँ पर आपके जनजातीय लोग आपका पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा और डिटेलिंग है अभी, आज इतना ही है इस लेक्चर में। जब मैं आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करूंगा तो मैं सारी चीजें आपको ब्रीफिंग में एक बार करा दूंगा चैप्टर को, फिर हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।